बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूँ, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही भेजते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। ये सहारनपुर जहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहाँ एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवबंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं, कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहाँ तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहाँ तक पहुँचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सेफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बेहड़ से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है, मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्रसेन चौधरी जी उनके लिए, विवेक कांत उनके लिए, और संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के भी अध्यक्ष हैं, मैं इन सभी प्रत्याशियों को आपके माध्यम से, जनता से मैं सहयोग, समर्थन और ये अपील करता हूँ कि इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। वहीं मंच पर हमारे साथ और सहारनपुर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने